दोस्तों, अगर आप बात टुकड़े टुकड़े गैंग की कर लो, आजादी गैंग की कर लो, या फिर डफली गैंग की कर लो, ये वो तमाम लोग हैं जिनका नाम अक्सर JNU से जुड़ा रहता है। ये वो जगह है जहां पर ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं, इसलिए इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों ने कभी नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी विषय पर, यानी JNU के नाम पर ही एक फिल्म बनी है जो कि रिलीज होने वाली है कुछ ही दिनों में। हालांकि रियलिटी में जो JNU का फुल फॉर्म है वो किसी और नाम से कॉलेज है, लेकिन यहां पर जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से दिखाया गया है। फिल्म का जो पोस्टर लॉन्च किया गया है वो भगवा रंग में है भारत, और एक मुट्ठी में जकड़ा हुआ है, और लिखा गया है कि क्या एक नेशनल यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है, और वाकई में तोड़ सकती है। तोड़ने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ऐसी आवाजें वहां से हमेशा आते रहती हैं। अब इस फिल्म में कई सारे मरे हुए कलाकार हैं जिनको आपने पर्दे पर कई बार देखा हुआ है, और इस पोस्टर के लॉन्च होने के बाद ही जो इस देश का लिबरल गैंग है वो एक्टिव हो गया है, विधवा विलाप करने लगा है, कई तरह के नारे लग रहे हैं, कई तरह से विरोध व्यक्त किया जा रहा है इस पोस्टर के खिलाफ कि ऐसी फिल्में देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। जबकि फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि क्या JNU देश तोड़ने का काम कर रहा है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर लग गया है सोशल मीडिया पर। ये फिल्म जब रिलीज होगी तब आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या वाकई में इस फिल्म को सही तरीके से बनाया गया है, जो दिखाना चाहते हैं वो सही तरीके से दिखा पाए हैं, या बस बना दिया गया है फिल्म। हालांकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको देखने को मिलेगी जिसे लेकर लोग यही कह रहे हैं कि इनकी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज इन्हें एक नया जख्म मिल जाता है, और इन जख्मों को कुरेते कुरेते बेचारों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। इस फिल्म को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है। इस पोस्टर को आपने देखा है, इस विषय पर जो बन रही है, आपकी जो भी राय है कमेंट करके